सो है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आप लोग मुंबई सीरीज के एक नए दिन और एक नई जगह पे। तो आज हम आए हैं सीबीडी बिलापुर। ये जो स्पॉट है वो नवी मुंबई का है। हमारी सीरीज है आप लोग मुंबई, लेकिन नवी मुंबई में भी आप विजिट करते ही हो, तो इसीलिए हम लोग ये स्पॉट जो है कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो ट्रिप हो वो अच्छा हो। तो ये जो एरिया है ये सनराइज पॉइंट है, ठीक है, मतलब सनसेट पॉइंट है, ठीक है, सॉरी माय टाइम स्लिप हो गया। तो ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ से आप अगर इवनिंग में आते हो तो यहाँ से जो व्यू आता है वो काफ़ी सही आता है, और इसे पारसिक हिल कहा जाता है सीबीडी बिलापुर का। आप ये देख सकते हो यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे सीबीडी बिलापुर स्टेशन है। आपको सीबीडी बिलापुर उतरना है ईस्ट साइड उतरना है, और ईस्ट साइड किसी को भी पूछ लेना पारसिक हिल कहाँ पे, 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे सीबीडी गाँव है, तो वहाँ से आपको ऊपर जाना है। और ये जो स्टेज दिख रहे तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे, और हम दोपहर के टाइम पे इसलिए आए क्योंकि इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल भी लेके आना चाहते हो तो ये रास्ता है आपको ऊपर जाने के लिए, और उस साइड से भी एक रास्ता है, लेकिन वो प्रीफर मत करना, यही करना, ये बेस्ट रूट है, ठीक है। आप पार्सिक हिल डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर एक मंदिर भी है अच्छा, और व्यू भी अच्छा था। दोपहर के टाइम पर हम लोग आए तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, तो चलिए चलते और आपको दिखाते हैं पार्सिक हिल। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से ऊपर आए, ठीक है, 133 टोटल स्टेप्स है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आओगे ना तो ये जो मोमोज है ना काफ़ी सही लगते हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी आते थे, मैं नेरूल में ही रहता, तो हम लोग बहुत टाइम आए हुए यहाँ पे, तो इवनिंग में ही प्रेफर करना है यहाँ पे आना, मॉर्निंग में मत आना। और भी 2-3 स्टॉल्स रहते वो आपको मिल जाए। पर देख रहे हो ना वो हिल का थोड़ा एरिया है, और उस साइड एक मंदिर है, वो देखो आप देख सकते हो वहाँ पे एक मंदिर है। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ये देखिए ट्रेन आपको दिख रहा होगा अंदर जाते समय, एक टनल है, टनल से ट्रेन उस साइड जाते हैं, तो वहाँ पे बेलापुर स्टेशन है, और यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है। और वो जो दिख रहा है ना आपको, वो झंडा दिख रहा है भारत का, वो है हमारा मतलब जो नवी मुंबई की महानगर पालिका है, वो है वहाँ पे, वो गोल वाला सर्कल दिख रहा है ना वहाँ। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर जो मंदिर दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से जो व्यू आता है ना दोस्तों काफ़ी क्लास आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, 1-2 शॉट्स में आपको दिखा देता हूँ। और वो देखो वहाँ पे भी लोग जाके बैठे हुए, तो वहाँ पे भी आप आके इवनिंग के टाइम पे बैठ सकते हो, लेकिन वहाँ पे बैठना थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये ट्रेन का सेक्शन है इसीलिए। तो आप इसी एरिया में घूमना, और अभी भी कपल्स लोग आए हुए हैं यहाँ पे, स्पेशली ये जो स्पॉट है वो कपल्स के लिए, ज़्यादातर करके कपल्स लोग आते हैं यहाँ पे। आप आपके बाइक से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ट्रेन से आना क्योंकि स्टेशन के बाहर ही है। बेफिजूल का पेट्रोल वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे ऊपर, और थोड़ा बहुत मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा क्या पे क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसे आप ऊपर आओगे ना, हम लोग वहाँ से ऊपर है, जब आप ऊपर आते तो 133 स्टेप्स है आपको यहाँ पे मिडल में आने के लिए, और ऊपर जाने के लिए सीधा रास्ता है आपको, मतलब जो रास्ता रहता है नॉर्मल वैसे। अब जैसे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक श्री सद्गुरु विश्वनाथ महाराज समाधि मंदिर है यहाँ पे। मंदिर के अंदर जो महाराज है विश्वनाथ महाराज जी, उनकी भी प्रतिमा है, गणपति बाप्पा है, और बहुत कुछ है, तो मैं आपको वो दिखाई दूंगा। आप इसके बाद मतलब आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा एक सिनेमेटिक व्यू में, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं आपको वहाँ पे। और वहाँ पे रन सिद्धि माता करके देवी का मंदिर भी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे दोपहर के टाइम पे आते हो तो यहाँ पे आके आपको जो रिलैक्स फील होगा, तो यहाँ पे आना, दर्शन करना, शांत बैठना, मतलब यहाँ पे ज़्यादा मस्ती मत करना, ठीक है, क्योंकि मंदिर है इसके लिए। सो दोस्तों, मैंने जो नीचे से रूट बताया था ना, आप यहाँ से ऊपर आओगे, और हम लोग वहाँ से स्टेप्स चढ़ के ऊपर आए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ से हार्डली 500 मीटर का डिस्टेंस है, और देखो जो पिंक कलर का दिख रहा है ना वो मंदिर है, वहाँ पे हमें जाना है, और वहाँ से व्यू जो है सही आता है। अभी के टाइम पर शायद वो बंद रहेगा, डोंट नो, लेकिन हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए। तो चलिए चलते, वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आपली मुंबई सीरीज पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये सारे जो स्पॉट है वो पता चले, ठीक है दोस्तों। तो अभी चलते हैं ऊपर, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर नए हो तो। रेनी सीजन में अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो ये जो झाड़ दिख रहे, पेड़ जो दिख रहे आपको, एकदम हरा हरा रहता है ये पूरा। और बारिश के टाइम पर पारसिक हिल मतलब जन्नत, मजाक से हट के आप यहाँ पर आओगे ना, एकदम क्लास दिखता है यहाँ पे। जब तक आप आओगे नहीं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, अभी ये जो पेड़ है वो सारे सूखे हुए, और हमें यहाँ से बीच में से भी है, तो हमें एडवेंचरस कुछ करना है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। आप यहाँ से ट्राई मत करना क्योंकि बाद में बहुत पैर दुखते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते, चलते चलते हम लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये रास्ता बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि आप थक जाओगे, मतलब डिस्टेंस कम है लेकिन चढ़ाव होने की वजह से काफ़ी ये रखते हैं। और हम लोग फाइनली आ गए, और यहाँ से भी है लेकिन यहाँ से हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग।
हम इधर से जाएंगे। दोस्तों जैसे आप थोड़ा ऊपर आ जाओगे ना, ये देखो यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, काफी सही आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे आप जब विजिट करोगे ना तो ही आपको आएगा, ये वेस्ट साइड है, यहाँ पे ही सनसेट होता है, तो ये सनसेट व्यूइंग पॉइंट है। और जो सामने आपको दिख रहा है ना वो BMC का ऑफिस है नवी मुंबई का, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेशली बनाया गया है आपको यहाँ से सनसेट देखने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल वो बंद है, वहाँ पे काम चालू है, लेकिन हम लोग ऊपर जाके देखेंगे अगर ओपन हुआ होगा अभी रिसेंट टाइम में, तो टाइम्स भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो व्यू है ना दोस्तों, यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आप आके बैठोगे ना, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ से नीचे गए तो डायरेक्ट स्वाहा, ऊपर जाओगे आप, ठीक है, तो सेफ्टी फर्स्ट है। तो आप यहाँ से जो व्यू आएगा ना, मतलब अभी धूप है, लेकिन फिर भी जब भी आप किसी भी, मतलब जो चट्टान रहती है या फिर पर्वत रहता है, कुछ भी बोलो, माउंटेन रहता है, उसके टॉप पे जब आप आते हो ना, तो जो फील आता है ना दोस्तों, वो अलग ही रहता है, वो सिर्फ ट्रेकर्स ही जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेकिंग करने की भी जरूरत नहीं, अपनी बाइक जो है वो लेके आ सकते हो आप। और भी एक पॉइंट है ऊपर, वहाँ से आपको उस साइड का जो वेलापुर एरिया है वो पूरा दिखता है, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। और ये रहा हमारा मंदिर, जिस मंदिर में हमें जाना है, कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, वो यहाँ से है जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल उस टाइम में यहाँ पे कोई है नहीं अंदर जिनसे हम लोग बात करें और आपको टाइम बता पाए। तो अगर आप इवनिंग के टाइम पे आते हो तो पहले अंदर विजिट करने देते थे, अभी मालूम नहीं मुझे देते हैं या नहीं देते, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत बार आया यहाँ पे, लेकिन विजिट करने देते नहीं है। तो अगर आपका लक अच्छा हो, अंदर कोई होगा, तो आपको अंदर जाने मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं हमारे मंदिर की ओर। तो दोस्तों हम लोग अभी टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, राधा गिरिधर मंदिर है, ठीक है, लेकिन अभी वो बंद है, वो सुबह 9:30 बजे से लेके 12:30 और इवनिंग में 5 बजे से लेके 8 बजे तक ओपन होता है, तो ठीक है। और यहाँ से जो व्यू है ना पूरा, अगर यहाँ पे आप ऊपर आ जाओगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये जो व्यू आपको दिख रहा है, यहाँ से पूरा बेलापुर का आपको व्यू दिखता है। ये जो सामने वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये अपना बेलापुर स्टेशन है। इस साइड जाओगे तो उलवे है, और इस साइड जाओगे तो हमारा पनवेल एरिया आता है, मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। सो यहाँ से जो व्यू आता है काफ़ी सही है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट करना पारसिक हिल बेलापुर, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और यहाँ पे आप इवनिंग के टाइम पे आ सकते हो, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे लोग इवनिंग के टाइम पे आके बैठते हैं, ठीक है। लेकिन ये कचरा मत करना, ये देखो लोग आते हैं घूमते हैं और यहाँ पे कचरा करते, तो ये सब मत करना। अभी मंदिर जो है वो बंद है, हम लोग देखते हैं हमें मंदिर के अंदर जाने मिल रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। और ओमकार भाई हमारे वहाँ पे बैठे देखते हुए कि मंदिर कब खुल रहे हैं। अभी 2 बजे, हम लोग तो 5 बजे तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा फिर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे मंदिर के यहाँ पे, और हमारा हार्ड लक है कि मंदिर जो है बंद है, आपको नेट पे कहीं पे भी टाइम नहीं मिलेगा ये मंदिर का, लेकिन मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग में 9:30 से 12:30 और इवनिंग में 5 से 8, तो इसी टाइम पे इस मंदिर में आना। हम लोग काली कुकड़ ऊपर से नीचे है, लेकिन नीचे भी एक मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मंदिर जो है वो काफ़ी अंदर से सही है, अगर मुझे यूट्यूब पे किसी के वीडियो मिल जाते हैं तो मैं इसके बाद आपको ऐड कर दूंगा। अदरवाइज इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल और एक नए दिन एक नई जगह पे, ठीक है। तब तक कीप वॉचिंग श्रीधर दुरत ब्लॉग्स। और दोस्तों आपको इस वीडियो में ज़्यादा एंटरटेन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये जो मंदिर है वो भी बंद है, और यहाँ से व्यू भी आपको मतलब अच्छा आ रहा है, लेकिन अभी दोपहर के टाइम पर इतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो आप जब भी विजिट करोगे तो इवनिंग के टाइम पर करना, क्योंकि ये जो स्पॉट है ना नवी मुंबई में काफ़ी सही है बेलापुर में विजिट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप कपल्स, फैमिली, दर्शन करने के लिए सब जन यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, फ्रेंड्स। और ये जो एरिया है वो सेक्टर 28 है बेलापुर पारसी के एरिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलिए।